नमस्कार आप देख रहे हैं डीडी डी न्यूज मैं हूं गौतम रॉय न्यूज लाइट की सभी देश विदेश की खबरों में आपका हमेशा की तरह स्वागत है पूरी दुनिया मलेशिया विमान के पूर्वी यूक्रेन में धराशायी होने से शोक स्तब्ध है कम से कम 10 देशों के दो में लोगों ने अपनी जाने गवाई है वजह साफ नहीं है लेकिन इसके लिए इस इलाके में चल रहे सैन्य संघर्ष तौर पर दोष दिया जा रहा है ये पूरा मामला अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जांच के दायरे में आता दिख रहा है और इसी से जुड़ा है हमारा आज का बड़ा सवाल क्या मलेशिया विमान जैसी त्रासदियों को रोकने के लिए दुनिया के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति बहाली को प्राथमिकता देनी हो लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस